बॉलीवुड एक ट्रेस अनुष्का शर्मा और विराट कोहली जल्द ही शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। ये ऐसे कपल है जो अपने प्यार को छिपाने में यकीन नहीं रखते। रिपोर्ट्स के मुताबिक विराट अनुष्का 12 दिसंबर को इटली में शादी करेंगे। ऐसे कई मौके आए जब विराट और अनुष्का एक साथ पब्लिक इवेंट्स में नजर आए। हाथों में हाथ डाले विराट और अनुष्का मीडिया के सामने जमकर पोज भी करते दिखे। विराट और अनुष्का के प्यार के चर्चे तब शुरू हुए जब अनुष्का अक्सर क्रिकेट मैच में विराट को चीयर करती नजर आईं। हालांकि शुरुआती दिनों में तो इस कपल ने अपने रिश्तों को मीडिया से छिपाया, लेकिन बाद में दोनों इन खबरों को स्वीकार भले न हो लेकिन नकारना बंद कर दिया। सबसे पहली बार विराट ने सोशल मीडिया पर अपनी लेडी लव के लिए उस वक्त स्टैंड लिया जब क्रिकेट के मैदान में विराट के खराब प्रदर्शन के लिए सोशल मीडिया पर अनुष्का शर्मा को ट्रोल किया गया। अनुष्का को ट्रोल करने को लेकर विराट ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि अनुष्का को मेरे गेम के लिए जिम्मेदार ठहरना एक बेवकूफाना हरकत है। अनुष्का ने हमेशा मुझे बेहतर खेलने और एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित किया है। इतना ही नहीं, विराट कोहली ने अपने प्यार का इजहार करते हुए वैलेंटाइंस डे के ठीक एक दिन बाद ये तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर में अनुष्का के साथ बैठे विराट ने कैप्शन में लिखा कि आपका हर दिन वैलेंटाइंस बन सकता है अगर आप चाहें तो। इसके बाद तो मानो इन दोनों ने अपने प्यार पर आधिकारिक मुहर लगा दी। महिला दिवस पर विराट ने अपनी माँ और गर्लफ्रेंड अनुष्का की एक तस्वीर शेयर की। जो तस्वीर आप देख रहे हैं यही तस्वीर विराट ने शेयर करते हुए लिखा था कि ये है मेरे जीवन की दो सबसे मजबूत महिलाएं। 2015 में दिए इंटरव्यू में विराट ने अपने प्यार को स्वीकारते हुए कहा था कि मैं अपने रिश्ते पर बहुत यकीन करता हूँ। मैं अपने रिश्ते के साथ साथ अनुष्का पर भी बहुत यकीन करता हूँ। हमारे रिश्ते के बारे में मेरे करीबियों को पता है और वो सब मेरे इस फैसले का सम्मान करते हैं। विराट ने इंटरव्यू में कहा कि अनुष्का ही वो इंसान है जो हर दिन मुझे एक बेहतर इंसान बनने के लिए न सिर्फ प्रेरित करती है बल्कि वो हर वक्त मेरे हर फैसले में मेरे साथ खड़ी भी नजर आती है। विराट और अनुष्का की ये लव स्टोरी अब जल्द एक पवित्र रिश्ते में बंधने जा रही है।